शैल चित्र या भित्ति चित्र में आपको हजारों साल पुरानी दुनिया देखने को मिलती है। यहाँ शैल चित्रों से मतलब है आदि मानव के द्वारा प्राचीन काल में गुफाओं और चट्टानों पर बनाए गए चित्र। इसमें आपको उस समय के गांव, नाच, पशु पक्षी, त्योहार और ना जाने क्या क्या। शैल चित्र ज्यादातर लाल, काले और सफेद रंग के देखने को मिलते हैं, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नीज ऑक्साइड और लाइमस्टोन, वनस्पतियों के रस, रक्त, गोंद, हल्दी चूना पत्थर, गेरू, लकड़ी के कोयले तक का इस्तेमाल हुआ है। भारत में सबसे पहले रॉक शेल्टर्स ACL कार्लाइल ने वाराणसी के निकट मिर्जापुर में 1867 से लेकर के 68 में खोजे। नदी, झरने और संस्कृति का संबंध यूं तो अनादिकाल से रहा है। सोन तथा बेलन घाटी भी आदि सभ्यता की भूमि रही है। विंध्य क्षेत्र में आदि मानव के हस्ताक्षर आज भी मौजूद हैं। उनके द्वारा बनाए गए आकर्षक चित्र के रूप में उत्तर प्रदेश में इन स्थानों पर भित्ति चित्र पाए जाते हैं, जो सुगम है और कुछ इस प्रकार है। लखनिया दरी समीप मिर्जापुर में झरने के समीप वाली चट्टान पर भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। यहाँ लाल रंग से हाथी घोड़ों पर शिकार करते लोग दिखाई देते हैं। चंदौली के गुरुपुर गाँव में एक पहाड़ी पर भी भित्ति चित्र है, जहाँ भगवान बुद्ध ने विश्राम किया था। गुफा में भगवान बुद्ध का चित्र साफ नजर आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भित्ति चित्र सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। सोनभद्र जिला, जो न केवल वीर और अद्भुत कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, यहीं पर विजयगढ़ किला भी स्थित है, जो चंद्रकांता के लिए जाना जाता है। यहीं से थोड़ी दूर पर मुगलमारा या पपड़हवा में या मच्छिंद्रनाथ में भी केव पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। कंडाकोट की पहाड़ी पर एक अनोखे मंदिर में, जिसमें शिवलिंग में ही दोनों शिव पार्वती जी के दर्शन किए जा सकते हैं। ये एक ओपन रॉक शेल्टर है, जो कि 10 फीट चौड़ी चट्टान पर स्थित है और मंदिर के पूर्वी दिशा में है। वहां पर धनुष और तलवार लिए योद्धा और हाथी सवार देखे जा सकते हैं। सोनभद्र का कैमूर फॉरेस्ट रेंज, जो कि अपने ब्लैक बग्स के लिए जाना जाता है, यहाँ पर भी आपको बेहतरीन और खूबसूरत भित्ति चित्र या केव पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। रॉबर्ट्सगंज से 50 किलोमीटर घोरावल रोड पर बेलन नदी पर मुखाफाल में भी भित्ति चित्र है। वहीं पंचमुखी मंदिर की पहाड़ी पर भी भित्ति चित्र है। सोनभद्र न सिर्फ अपने भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर एक फॉसिल पार्क भी है, जो कि सलखन में है। प्रसिद्ध पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ सलखन लाइमस्टोन स्तंभ की ऊपरी सतह पर अंकित गोल छल्ले जैसी आकृतियों वाली ये लगभग 1 मीटर ऊंची रचनाएं 1.5 अरब वर्ष पुराने जीवन के आदि रूप के प्रमाण हैं। स्थानीय लोगों में पत्थर के फूल या पेड़ कहे जाने वाली ये संरचनाएं पृथ्वी पर 140 करोड़ वर्ष पूर्व भी मिलने वाले जीवन के आदि रूप सियनोबैक्टीरियो के द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं तब बनी जब विंध्य क्षेत्र में समुद्र का खारा पानी लहलहा रहा था। सोन घाटी विंध्य क्षेत्र का पूर्वी भाग है। यूं तो सियनोबैक्टीरिया को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से आवर्धित करके आप इनके जीवाश्मों तक को देख सकते हैं। इन स्टोमेटोलाइट की समकालीन और अति सूक्ष्म सिलिका कणों से बनी काली अवसादी चट्टानों में सियनोबैक्टीरिया के जीवाश्म स्टोमेटोलाइट से इनके संबंध को पुष्ट करते हैं। सियनोबैक्टीरिया प्रकाश की उपस्थिति में जल और वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया फलस्वरूप ऑक्सीजन और कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। जीवन के आदि रूप के अस्तित्व का प्रमाण होने के कारण स्टोमेटोलाइट बहुमूल्य है। इनसे आम व्यक्ति को समय के साथ जीवन के विकास और पर्यावरण के जीवन एवं पृथ्वी पर पड़े प्रभाव को समझने में बड़ी सहायता मिलती है।